तो यार गाइस YouTube जो है वो अपडेट पे अपडेट इतना अपग्रेड होते जा रहा है कि उसे फिलहाल हमारे क्रिएटर्स की बात सुनना पड़ी। तो हाँ गाइस, क्या नया अपडेट लेके आया YouTube, इसके लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे क्वालिटी से रिलेटेड यूट्यूब के नए अपडेट्स के बारे में। तो गाइस बात करते हैं YouTube के बड़े अपडेट की जो फिलहाल आया था। गाइस जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि YouTube ने अपने थंबनेल को राउंड किया था, कुछ शॉर्ट टाइम एड टाइम जूम के लिए वीडियो बनाया था। एंड गाइस अभी जो फिलहाल YouTube ने अपडेट डाला है वो कुछ इस तरह से कि अगर आप लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो और लाइव वीडियो करते हैं तो इसके लिए आपको अलग अलग चैनल नहीं बनाना पड़ेंगे। यानी कि मैं जो आपसे बोलना चाह रहा हूँ उसे बात तक ध्यान से समझिएगा। अभी तक आप कन्फ्यूज हुआ करते थे कि यार मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ जिसमें जैसे टिकटॉक होता है उसी तरह के प्लेटफॉर्म्स और होते हैं तो आप शॉर्ट वीडियोज बनाते हैं, एक लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप अपना एक अलग से यूट्यूब लेके जाते हैं जहाँ पर आप लाइव वीडियोस अपडेट करते हैं, यानी कि लाइव अप रहते हैं। तो गाइस यूट्यूब ने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपनी बहुत अच्छी चीज़ अपडेट डाली है। अब से आपको इतने सारे चैनल्स क्रिएट नहीं करना है, आपको केवल एक ही चैनल क्रिएट करना रहेगा। और इसमें क्या करना रहेगा वो ध्यान से समझिएगा। अभी तक यूट्यूब ने देखा था कि हम जो भी थंबनेल डालते थे और जो हमारे चैनल का जो थीम होती थी वो बहुत अजीब से लगती थी, क्योंकि उसी में ही हमारे लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस और लाइव स्ट्रीम हमें देखा मिला करता था। तो यहाँ पर यूट्यूब ने क्या किया वो ध्यान से समझिए। यूट्यूब ने अभी क्या किया है, अभी जैसे कम्युनिटी टैब हमारा इनेबल होता है ठीक वैसे ही यूट्यूब ने यहाँ पर अपडेट डाला है। अब आपको अपने ही चैनल पर एक लॉन्ग वीडियो का टैब देखने को मिलेगा, शॉर्ट वीडियो टैब देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको देखना मिलेगा कि यहाँ पर लाइव का भी एक टैब YouTube में इनेबल कर दिया। तो गाइस ये फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यानी कि अब से आपको जो थीम है और अपने YouTube की जो बेस्ट थीम है वो भी खराब नहीं होगी, यानी कि एक ही चैनल पे आप सारे क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ मोनेटाइजेशन की तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है कि अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं तो उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 का वॉच टाइम कंप्लीट करें, शॉर्ट वीडियोस बनाते तो उसके लिए भी 1000 का क्राइटेरिया है, साथ साथ आपको 4 मिलियन का जो है आपको क्राइटेरिया कंप्लीट करना रहेगा 90 डेज के लिए। लाइव के लिए तो कोई स्ट्रीमिंग है ही नहीं आप करते तो उसके लिए। एंड गाइस उसके साथ साथ एक और अपडेट आया, उसके अपडेट के लिए मैं अगले वीडियो बात करूंगा, जो कि जो एजुकेशन है कि आप मेडिकल लाइन से हैं, फार्मेसी लाइन से हैं और डॉक्टर लाइन से, तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया बनाया। पर मैं हिंट आपको दे देता हूँ कि उसके लिए कुछ 2000 क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट होता है। तो वो क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या अपडेट है, ये उन लोगों के लिए। तो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम नए अपडेट डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में नए अपडेट और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय।